स्विट्जरलैंड में बैंक खाते रखने वाले भारतीयों का ब्यौरा रविवार से भारत को मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच रविवार से सूचनाओं के आदान प्रदान का ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू होने जा रहा है। इसकी बदौलत वहां किसी भी भारतीय द्वारा कोई बैंकिंग कार्य किए जाने की जानकारी तत्काल ही भारत कर प्राधिकरणों के सिस्टम में अपडेट हो जाएगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि सरकार की काले धन के खिलाफ लड़ाई में ये बेहद अहम कदम है और 1 सितंबर से इस सिस्टम की शुरुआत के साथ ही स्विस बैंक गोपनीयता के युग का अंत हो जाएगा। किंगस्टन जमैका के सबीना पार्क मैदान में भारत वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 264 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाई। हनुमान बिहारी 111 और ईशांत शर्मा 57 के अर्धशतक की मदद से टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 10 विकेट खोकर 416 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 87 रन ही बना पाई। वेस्टइंडीज की टीम भारतीय टीम से 329 रन पीछे है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी है। इसे nrcassam.nic.in पर क्लिक करके देखा जा सकता है। कुल 3,11,21,000 लोगों के नाम एनआरसी सूची में शामिल है। वहीं 19,06,657 लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं है। ऐसे में सूची में छूटे हुए लोगों के मन में कई सवाल चल रहे हैं कि आगे क्या होगा। ऐसे लोगों को अब अपने या अपने पूर्वजों के नागरिक होने का प्रमाण देना होगा या फिर 24 मार्च 1971 के पहले नागरिक होने का प्रमाण देना होगा। सिख युवती को अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करने हुए मुस्लिम बनाने के चलते नाराज सिख समुदाय ने नया कदम उठाया है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहब के किसी भी गुरुद्वारे में मुस्लिम समुदाय के प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने और युवती के घर वापसी होने तक जारी रहेगी। उधर ननकाना साहिब के जिला पुलिस अधिकारी ने आईजी पुलिस पंजाब को भेजे मेमोरेंडम में सारे घटनाक्रम और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए सिख उपद्रव करने की संभावना जताई है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि देश में आज से 1 सितंबर 2019 नया मोटर वाहन संशोधन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो रहा है। अब ट्रैफिक नियम काफी सख्त हो गए हैं और जिनको उल्लंघन करना आप पर काफी भारी पड़ सकता है। संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में शराब पीकर ड्राइविंग करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं इमरजेंसी वाहनों जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और PCR का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर ₹10,000 तक का जुर्माना ठोका जा सकता है। संशोधित विधेयक में 18 साल से कम उम्र में बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। बिल में ओवर स्पीडिंग पर 1,000 से 2,000 रुपए और बिना बीमा पॉलिसी गाड़ी चलाने पर ₹2,000 जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 3 महीने तक लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें 3 साल की सजा और ₹25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। घाटी में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से घाटी की सड़कें वीरान सी हो गई थी। लोगों की आवाजाही तो बस नाम मात्र की थी। सरकार द्वारा प्रतिबंधों में कमी करते ही अब रौनक दिखने लगी है। आज भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। इसके साथ ही सड़कों पर बड़ा आवागमन सरकार व देश के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। वहीं कश्मीर के हालातों में सुधार देख बौखलाया पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में छाए रहते हैं। एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे कि राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ सकती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और बजरंग दल
ISI से जासूसी के लिए पैसे ले रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो लोग ISI से पैसा लेते हैं वही लोग भाजपा और RSS से भी पैसा लेते हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बेलसोंडा के स्कूल में पढ़ने वाली प्रतिभाशाली छात्रा श्रीजल चंद्राकर को चंद्रयान 2 की लाइव लैंडिंग देखने का मौका मिलेगा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेंगलुरु स्थित इसरो सेंटर में इस लैंडिंग को 7 सितंबर को देखेंगी। इस दौरान इसरो के ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वैज्ञानिकों की टीम और देश भर से चुने गए 50 बच्चे और उनके अभिभावक मौजूद रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों का तबादला किया है, वहीं कुछ को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। कलराज मिश्र को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, वो इससे पहले हिमाचल के राज्यपाल के तौर पर कार्य कर रहे थे। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है, वहीं बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल का नया राज्यपाल बनाया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाया गया है और तमिल साई सौंदर राजन को तेलंगाना के राज्यपाल की जिम्मेदारी दी गई है। सौंदर राजन इससे पहले तमिलनाडु भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष थीं।